जीतने का असली मजा तो तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मैं एक ऐसे LIC एजेंट की बात करूंगा जो सच में लोगों का भी बहुत भला किया है और LIC कंपनी को भी बहुत ज्यादा भला किया है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी पॉलिसी तो मैच्योर हो जाती है लेकिन वो अपना पैसा लेते नहीं हैं, या तो उनको पता नहीं रहता है या भूल जाते हैं या तरीका नहीं पता रहता है। तो मोहित जो LIC एजेंट था, और हालांकि LIC में उसको एक जिम्मेदारी दी गई और बोला गया कि आपको क्या करना है कि घर घर जा करके या किसी भी तरह से आप ऐसे पर्सन को इंटीमेट करो जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और वो अभी तक अपनी मैच्योरिटी अमाउंट लिए नहीं है। तो मोहित को बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये तो सेवा वाला काम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक और रिलेशन बनाने की ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि रिपीट कस्टमर अगर आना शुरू कर दिया तो आपकी बिजनेस बढ़ने लगेगी और जो ऑलरेडी एक बार कस्टमर है ना उसको एक्वायर करना ना सस्ता पड़ता है। तो उसने दिमाग लगाया और जा करके घर घर जिस पर्सन का पॉलिसी मैच्योर हो गया था उनको जा करके इंटीमेट किया और उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन जो भी था, और कर करके उनको वो अमाउंट दिलवाया। तो लोग बड़ा खुश होते थे, कुछ लोग और भी ज़्यादा फर्दर पॉलिसी ले लेते थे, बड़ा फेथ होता था LIC पर। तो एक ऐसा ही बंदा था जो कि थोड़ा रईस था, उसकी भी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, करीब 52,000 की मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला था। लेकिन वो पर्सन अमीर था तो हो सकता है ये छोटे से अमाउंट पे उसका ज़्यादा दिमाग नहीं जाता था या उसके पास टाइम नहीं निकलता था कि इसको जा करके मैं ले सकूं। तो वो खुद जो मोहित था उसके पास गया और डॉक्यूमेंट पे साइन उन करवाया और उसको 52,000 का मैच्योरिटी अमाउंट दिलवा दिया। तो जैसे उसने दिलवाया वो सामने वाला बंदा बड़ा खुश हुआ और शुक्रिया अदा किया। तो फिर मोहित ने भी बोला कि सर अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो मेरे से एक पॉलिसी और ले लीजिए। तो वो जो बंदा था जिसका क्लेम मिला था वो बोला कि देखो सर अभी मेरे को पॉलिसी लेने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, मैं क्यों पॉलिसी लूँ, सब कुछ मेरे पास है ही, सब हर तरह की मैंने सेविंग करके रखा है। तो उसने बोला कि चलो सही है सर, कोई बात नहीं है, लेकिन बस कभी कभी चाय पे बुलाते रहिएगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बोला बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, एकदम हो जाएगा। तो एक दिन करीब 5-6 महीने के बाद मोहित उसके घर गया तो देखा कि वो थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे। तो उसने कारण जानने की कोशिश की, हालांकि दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, उसने कारण जानने की कोशिश की। तो उसने बोला कि देखो मेरे पास पैसा बहुत है और हम लोग की जो बिजनेस है ना वो फैमिली बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि उसका 5 से 10% जो है ना मैं डोनेट करना चाहता हूँ एक मंदिर के नाम पर। तो बोला इसमें क्या दिक्कत है सर, आप डोनेट कर दो। तो बोला मेरे बेटे लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि डोनेट हो। तो उसने बोला कि सर मुझे भी अपना एक बेटा समझिए और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले लीजिए, आप 1 करोड़ डोनेट करना चाहते हैं। तो बोला हाँ सर, और करीब साल का 6 से 7 लाख रुपया आपका आएगा। तो बोला उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा जब भी ये मैच्योर होगी ना तो आप मंदिर के नाम पर इसको असाइन कर सकते हैं। LIC में दो तरह का चीज़ होता है, एक नॉमिनेट करना होता है, एक असाइन करना होता है। तो आप इसको नॉमिनेट मतलब अपने बंद पर्सन को दिया जाता है, असाइन का मतलब किसी चैरिटी में दी जाती है। तो जब भी आपके डेथ से पहले या डेथ के बाद भी जब भी ये पैसा मैच्योर होगा तो ये मंदिर के नाम पर ही जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। वो पर्सन खुश हो गया, बोला चलो ये तो और भी अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली और 6 से 7 लाख रुपया हमेशा वहाँ पर जाता था जो मंदिर के नाम पर असाइन होने लगा। उसने रास्ता भी निकाल दिया, उसका पर्पस भी सॉल्व हो गया। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को सही सलाह दीजिए, उनके नीड के हिसाब से उनको ज़रूरत क्या है ना वो पॉलिसी बेचिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट है पकड़ के छेप दिए, ऐसा नहीं करना है, उनकी ज़रूरत समझना है, उनका दर्द समझना है और फिर आपको पॉलिसी देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से थोड़ी सी मदद ज़रूर आपको मिली होगी और इस तरह के वीडियो अगर पसंद आते हैं ना तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि इस तरह के कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्रेस हुआ है कि नहीं है,
मुझे आपके घर तक पहुंचने का यही एक रास्ता है, और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अपनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट में जरूर लिखे, बड़ा अच्छा मुझे लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। आपके कमेंट्स ही मैं कंटेंट बनाता हूँ, सच में मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, और मैं थोड़ी सी मदद कर पाता हूँ आपके लाइफ में थोड़ी सी चेंज लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।